नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया है। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा, संवर्धन और इन अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना करना भी शामिल है। 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने यह कहा है कि यह नया कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से जानकारी लेंगे। दोस्तों, यह नया कानून अपने अधिसूचित नियमों और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उत्पादक देयता, मध्यस्थता और मिलावटी सामान से बने उत्पादनों के निर्माण, बिक्री के लिए सजा जैसे विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और इन अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना करना भी शामिल है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताएं क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक नियम इस अधिनियम के तहत कवर किए जाएंगे। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को धन वापसी गारंटी और वारंटी, विनिमय, वितरण और शिपमेंट, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के साधन, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा और शुल्क वापसी के विकल्प सहित संबंध वस्तु के मूल देश के बारे में जानकारी देनी होगी, जो उपभोक्ताओं को उनकी प्लेटफॉर्म पर खरीदी के पहले चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगा। मध्यस्थता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस नए अधिनियम के तहत मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद तंत्र भी प्रदान किया गया है। मध्यस्थता के लिए एक उपभोक्ता आयोग को शिकायत सौंपी जाएगी, जहां शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूदी होगी और दोनों सभी पार्टियों इसके लिए सहमत हो। उपभोक्ता आयोग के तहत स्थापित विभिन्न मध्यस्थता सेल्स में यह मध्यस्थता वार्ता की जाएगी। ऐसे ही मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। उपभोक्ता विवाद निर्माण आयोग के नियमों के अनुसार कुल 5 लाख रुपए तक के मामलों को दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों, CCPA का उद्देश्य क्या है, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ संस्था के मुकदमों को या शिकायतों की जांच करने का भी अधिकार होगा। यह भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने का उद्देश्य भी दे सकता है। सुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं की वापसी का उद्देश्य दे सकता है। निर्माताओं का, प्रकाशनों का यह भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन करने वाले पर जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, उपभोक्ताओं को इसका लाभ क्या है? तो सभी उत्पादकों में मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। यानी जो कोई मिलावट करता है तो उसे कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के माध्यम से प्रदान किए जाने के लिए तीव्र क्रियान्वय उपाय जो है वह भी किए गए हैं। उत्पाद दायित्व का प्रावधान निर्माताओं और
सेवा प्रदाताओं को अपूर्ण सेवाओं और दोषपूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाने से रोकना है। उपभोक्ताओं आयोग में अपील करना आसान होगा और अधिनिर्णयन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इस कानून के तहत मध्यस्थता के माध्यम से विभिन्न मामलों की शीघ्र निपटान की गुंजाइश है। नए युग के उपभोक्ताओं मुद्दे जैसे कि प्रत्यक्ष बिक्री और ई कॉमर्स के लिए नियमों का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पिछले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निरस्त और प्रतिस्थापित करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने पहली बार 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में एक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया गया था। इस विधेयक को 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में और फिर 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया है। इस विधेयक को 9 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति से प्राप्त हुई है और उसी तारीख को भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचित किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।